A very warm good morning to all my dear student. In this video, I will start a new chapter, chapter number 14, work made easy. यानी काम आसान हो गया. Let's begin. चलो शुरू करते हैं. Tick mark on all the things that Shruti can do alone. यानी उन चीज़ों पर टिक करना है जिसको श्रुति अकेले कर सकती है. Put a cross on the things she cannot do alone. उन चीज़ों पर क्रॉस करना है जो श्रुति अकेले नहीं कर सकती है. फर्स्ट सेंटेंस दिया है श्रुति कैन लिफ्ट अ कार. श्रुति अकेले कार को उठा सकती है तो इसमें हम क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट दिया हुआ है श्रुति कैन वॉक टू द नियर बाई मार्केट. श्रुति अकेले पास के बाज़ार में जा टहल कर जा सकती है. यहाँ पर हम टिक करेंगे. नेक्स्ट में श्रुति नोज हाउ टू स्विम. श्रुति को श्रुति जानती है कि कैसे तैरना है. सी कैन स्विम इन वाटर ऑन हर ओन. वह पानी में खुद से तैर सकती है तो इसमें हम टिक करेंगे. नेक्स्ट में दिया हुआ है डी श्रुति कैन वॉक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. यानी श्रुति एक शहर से दूसरे शहर में अकेले जा सकती है तो इसमें हम क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट में ई श्रुति कैन आयरन हर क्लॉथ्स ऑन. श्रुति अपने कपड़े खुद से प्रेस कर सकती है तो इसमें हम क्रॉस करेंगे. लेट्स फाइंड आउट. चलो पता लगाते हैं वर्क. वर्क यानी काम. एनी थिंग वी डू यूजिंग अवर बॉडी और माइंड इज कॉल्ड वर्क. यानी जो भी चीज़ हम अब करते हैं अपने शरीर से या दिमाग से उसको वर्क कहा जाता है यानी काम कहा जाता है. वी डू वर्क टू गेट द रिजल्ट वी वॉन्ट. यानी हम काम करते हैं और रिजल्ट मिलता है जो हम चाहते हैं. वर्क कैन बी सिंपल और स्मॉल और इट कैन बी बिग और डिफ़िकल्ट. जो काम होता है वो बहुत ही छोटा भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, यह बड़ा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है. मीना मदर इज मेकिंग चपाती. मीना की माँ रोटियाँ बना रही है. सी इज़ वर्किंग सो दैट मीना कैन गेट फूड. वह काम कर रही है जिससे कि वह खाना खा सके. यानी मीना की माँ रोटियाँ बना रही है जिससे कि मीना खाना खा सके. साहिल इज़ कैरिंग ऑल द शॉपिंग बैग्स. यानी साहिल सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आ रहा है सो दैट हिज ग्रैंड मदर कैन वॉक इजीली. ताकि उसकी जो दादी माँ है वो आसानी से वॉक कर सके. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्क. यह भी एक प्रकार का दयालु काम है. राजेश इज अ पुलिसमैन. राजेश एक पुलिसमैन है. लुकिंग आफ्टर द सिटी इज हिज वर्क. यानी शहर की देखभाल करना उसका काम है. हाउ इज वर्क डन. यानी काम को कैसे करना है. वी कैन डू वर्क ऑन योर ओन. हम अपना काम खुद से कर सकते हैं. वर्क फॉर मैनी थिंग्स. लेकिन कई चीज़ों के लिए वी नीड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन कई चीज़ों के लिए हमें बाहर से सहायता लेने की ज़रूरत होती है. अवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल द वर्क. यानी हमारी जो बॉडी होती है हमें हर काम करने में हमारी मदद करती है. दैट रिक्वायर्स लिफ्टिंग कैरिंग और मूविंग थिंग. यानी कोई चीज़ हमें उठाने में या ले जाने में या इधर से उधर ले जाने में हमारी जो बॉडी होती है वो सहायता करती है. अवर माइंड हेल्प्स अस टू थिंक एंड डू वर्क मेंटली. यानी जो हमारा दिमाग होता है वो हमारी सोचने और जो दिमागी काम करने में हमारी मदद करता है. वी कैन डू सच वर्क विदाउट एनी हेल्प. हम इस तरह के काम बिना किसी की हेल्प से कर सकते हैं. बट मैनी थिंग्स अराउंड अस हेल्प अस. यानी हमारे चारों तरफ की चीज़ें हमारी मदद करती हैं. डू सिंपल वर्क इजीली. यानी जो साधारण काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. लेट्स लर्न मोर बाई आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. यहाँ क्वेश्चन आंसर के द्वारा और भी ज़्यादा सीख सकते हैं. राइट यस और नो. यहाँ पर आपको यस नो लिखना है. वी कैन राइट. कैन वी डू इट विदाउट अ पेंसिल और पेन. क्या हम लिख सकते हैं. क्या हम बिना पेन और पेंसिल के लिख सकते हैं. नो. यहाँ पर हम लिखेंगे नो. नेक्स्ट में वी कैन कुक. हम खाना बना सकते हैं. कैन वी डू इट विदाउट एनी फायर और हीट. यानी हम खाना बना सकते हैं. क्या हम खाना बिना गर्मी या आग के बना सकते हैं. नो. यहाँ पर हम लिखेंगे नो.
नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं. कैन वी टॉक टू द पीपल इन फार ऑफ प्लेसेस विदाउट टेलीफोन, यानी जो लोग हमसे दूर हैं, दूर दूर स्थानों पर हैं, क्या हम बिना टेलीफोन से उनसे बात कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो. ओल्डर पीपल समटाइम्स हैव डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, यानी जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें कभी कभी टहलने में परेशानी होती है. कैन अ वॉकिंग कैन बी हेल्पफुल फॉर देम, यानी उनको क्या उनको टहलने के लिए एक वॉकिंग केन, यानी जो वॉकिंग केन होती है वो उनके लिए हेल्पफुल होगी? यस, यहाँ पर हम लिखेंगे यस. आवर हैंड्स कैन होल्ड फूड व्हाइल वी ईट, यानी हमारे हाथ भोजन को पकड़ सकते हैं जब हम खाते हैं. डज कीपिंग फूड इन अ प्लेट एंड ईटिंग विद अ स्पून मेक इट इजियर, क्या भोजन प्लेट में रखकर और एक स्पून के साथ खाने से आसानी हो जाती है? यस, यहाँ पर हम लिखेंगे यस. बाई आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के आंसर के द्वारा वी हैव लर्न्ड दैट यूजिंग सम स्पेशल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट दैट वी कैन डू वर्क इन एन इजियर वे. मीन्स हमने सीखा कि कुछ स्पेशल टूल्स या जो यंत्र होते हैं उनके द्वारा हम अपने काम हमको आसानी से कर सकते हैं. मशीन्स यानी बहुत सारी मशीन्स के बारे में सीखेंगे. अब मशीन इज़ एनी थिंग दैट मेक्स अवर वर्क ईजी, यानी मशीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम को आसान कर देती है. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू अलोन, यानी बहुत सारे काम इस प्रकार के होते हैं जो हम अकेले करते हैं तो परेशानी होती है. फॉर सच वर्क, ऐसे काम के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ मशीन, ऐसे काम के लिए हमें मशीन की सहायता लेनी चाहिए. इफ़ वी वॉन्ट टू ड्रिंक कूल वाटर वी चिल इट इन अ रेफ्रिजरेटर, अगर हम ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो हम उसे ठंडा रेफ्रिजरेटर में करते हैं, यानी फ्रिज में ठंडा करते हैं. अ लिफ्ट हेल्प्स अस टू गेट डिफरेंट फ्लोर्स इन बिल्डिंग वेरी क्विकली एंड इजीली, यानी लिफ्ट होती है वो हमारी सहायता करती है अलग अलग फ्लोर्स पर बिल्डिंग में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचा देती है. अ कार टेक्स अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जो कार होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है. लेट्स से टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन यू डू ऑन योर ओन विदाउट टेकिंग द मशीन्स हेल्प, यानी कौन सा काम है जो तुम अपने आप से कर सकते हो बिना किसी मशीन की सहायता से. पुट अ टिक ऑन द वर्क, यानी उस काम पर टिक करेंगे दैट यू कैन डू अलोन, जो आप खुद से अकेले कर सकते हो. कीपिंग फूड कूल, यानी खाने को आप बिना किसी मशीन की सहायता से आप कर सकते हो. नो, यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे. कैरिंग बैग फ्रॉम मार्केट से बैग आप खुद ला सकते हो, इसमें हम टिक करेंगे. नेक्स्ट दिया हुआ है सॉल्विंग या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स की यानी गणित की समस्या को आप समाधान कर सकते हो, तो यस, इसमें हम टिक लगाएंगे. ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी एक देश से दूसरे देश की यात्रा खुद से कर सकते हो बिना किसी मशीन की सहायता से, नो, तो इसमें हम क्रॉस लगाएंगे. वॉकिंग ऑन रोड, यानी आप सड़क पर टहल सकते हो खुद से, यस, तो इसमें हम टिक करेंगे. राइट डाउन टू थिंग्स इन योर नोटबुक दैट यू कैन डू विदाउट द हेल्प ऑफ अ मशीन, यहाँ पर आपको दो चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखनी है जो आप बिना मशीन की सहायता से कर सकते हो. तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में वी कैन टॉक एंड वॉक विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना किसी मशीन की सहायता से और हम वॉकिंग कर सकते हैं बिना किसी मशीन की सहायता से. नेक्स्ट, वाई डू वी नीड मशीन्स, यानी हमें मशीन की ज़रूरत क्यों होती है. अ मशीन इज अ मेड
टू मेक अवर वर्क इजी एंड सिंपल, यानी जो एक मशीन होती है वो हमारे काम को साधारण और आसान बना देती है। वी यूज मशीन्स इन अवर डे टू डे लाइफ, यानी हम अपनी डे टू डे लाइफ में मशीन का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रशिंग अवर टीथ टू कुकिंग अवर फूड, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, यानी दांत में ब्रश करने से लेकर खाना बनाने तक और हम अलग अलग प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं। मशीन्स मेक अवर वर्क ईजियर, यानी जो मशीन होती है वो हमारे काम को आसान बना देती हैं। सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, यानी जो मशीन होती है वो हमारे कम समय में ही ज़्यादा काम कर देती है, हमारे समय की भी बचत करती है। मशीन सेव्स अवर एनर्जी, मशीन हमारी ऊर्जा को भी सुरक्षित रखती हैं। मशीन हेल्प अस गेट एक्यूरेट रिजल्ट, जो मशीन होती है वो एक सही परिणाम देती है। लेट से थर्ड राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ मशीन विच हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग, मींस यहाँ पर हमें मशीनों के उदाहरण लिखने हैं जो मशीन ये काम करने में मदद करती है। फर्स्ट सेंटेंस, दे हेल्प अस टू मेक वाटर हॉट, यानी ऐसी कौन सी मशीन होती है जो पानी को गर्म करने में मदद करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक केटल। दे हेल्प अस टू टेक अवर वेट, यानी कौन सी मशीन होती है जो हमारा वेट करने में मदद करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेइंग मशीन। नेक्स्ट, दे हेल्प अस कट पेपर एंड क्लॉथ्स, यानी कौन सी मशीन होती है जो पेपर और कपड़े को काटने में मदद करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीजर्स। नेक्स्ट, दे हेल्प अस टू कैरी ऑल द शॉपिंग आइटम्स, ऐसी कौन सी मशीन होती है जो सारे शॉपिंग आइटम्स को ले जाने में मदद करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शॉपिंग कार्ट। नेम एनी टू टास्क दैट कैन नॉट बी डन विदाउट अ मशीन, यानी यहाँ दो ऐसे टास्क बताने हैं जो हम बिना मशीन के नहीं कर सकते हैं। राइट द आंसर इन योर नोटबुक, ये आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। आंसर में लिखेंगे वी कैन नॉट फ्लाई एंड गो टू अ फार अबे प्लेस विदाउट एन एरोप्लेन, यानी बिना एरोप्लेन के हम दूर स्थान पर या दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। वी कैन नॉट गेट कूल एयर इन द रूम विदाउट एन एयर कंडीशनर और फैन, कमरे में हम ठंडी हवा बिना पंखे या कूलर या एसी के बिना नहीं ले सकते हैं। सिंपल मशीन, अब हम सीखेंगे सिंपल मशीन क्या क्या होती है, जो साधारण मशीन जिन्हें कहा जाता है। When electricity was not there, यानी पहले के टाइम में जब बिजली नहीं थी, people used some simple machine that made their work easy, तब लोग साधारण मशीन का यूज करते थे जो मशीन उनके काम को आसान बना देती थी। पुली, पुली मीन्स होता चरखी। फैचिंग वाटर फ्रॉम अ वेल रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, यानी जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। पीपुल बाउंड द रोप अराउंड अ व्हील सो दैट पुलिंग द वाटर बकेट कुड बिकम इजियर, लोग क्या करते थे, पुली मीन्स होता चरखी, चरखी में रस्सी को लपेट देते थे जिससे कि कुएं से पानी निकालना बहुत ही आसान हो जाता था। दिस वॉज कॉल्ड अ पुली, इसे एक चरखी कहा जाता। चरखी एक पहिए की तरह से होती है जिसमें हम रस्सी को लपेट देते हैं और जब कुएं से पानी खींचते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। लीवर, लीवर का मतलब होता है उत्तोलक। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी भारी सामानों को ले जाने में बहुत परेशानी होती थी। पीपुल यूज्ड अ वुडन प्लैंक एंड अ स्टोन टू मेक अ सीसो, मीन्स लोगों ने एक लकड़ी का तख्ता और पत्थर से एक सीसो जैसा सिंपल मशीन बनाई जिसे लीवर कहा जाता है। लीवर का मतलब होता है उत्तोलक। वन एंड ऑफ द सीसो, यानी सीसो के निचले हिस्से पर अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट्स, नीचे के निचले हिस्से पर भारी सामान रखा जाता था। एंड द अदर वॉज यूज टू लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट अप, और जो दूसरा हिस्सा था उससे ऑब्जेक्ट्स को यानी सामान को ऊपर उठाया जाता था। व्हील एंड एक्सल, व्हील मीन्स होता पहिया, एक्सल मीन्स होता धुरी, पहिया और धुरी। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना बहुत ही कठिन था। पीपल यूज टू वॉक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, यानी
लोग एक शहर से दूसरे शहर टहल कर जाया करते थे आफ्टर दे इन्वेंटेड व्हील, यानी उन्होंने जब पहिए का आविष्कार करने के बाद दे कुड कैरी हैवी लोड्स एंड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस ऑन देयर ओन। जब उन्होंने पहिए का आविष्कार किया उसके बाद में वो भारी सामान और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद से जाया जा सकते थे। दे पुट अ स्टिक और एक्सेल थ्रो द व्हील्स एंड यूज देम इन कार्स। लोगों ने एक लकड़ी जो धुरी होती है, धुरी या पहिए के बीच में एक लकड़ी को फंसा देते हैं और वो गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं या बुलक कार्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। नाउ कंप्लीट योर टुडेज़ वर्क इन कोर्स बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।